गांव देवी में शाम को अवैध रेती उत्खनन कर रहे जेसीबी ट्रक ट्रैक्टर को तहसीलदार करांजे और उनकी टीम ने धर दबोचा तो चालक मालक पर 353 गुना दाखिल हुआ। मोहाड़ी तहसील में आने वाले मोह गांव में शाम के वक्त बड़े पैमाने पर रेती उत्खनन की बात आ रही थी। इसके चलते तहसीलदार करांजी और उनकी टीम ने अवैध रेती उत्खनन कर रहे को धर दबोचा और गाड़ियां जब्त कर ली। इसमें शासकीय कार्रवाई में कुल 35 से 40 लाख रुपए के ऊपर का माल जब्त किया गया है। उसमें चालक मालक पर कलम 353 गुना पुलिस स्टेशन मोहाड़ी में दाखिल कर दिया है। तहसीलदार की कार्रवाई देख कहीं अवैध चोरी पर नकेल कसने वाली है, से कहीं अवैध वाहतूक उत्खनन जैसे चोरी करने वाले पर रोक लग रही। आज या ठिकाणी 11/3/2022 रोजी सकाळी 5 ते 6 दरम्यान मोगाव देवी रेती घाटामध्ये आम्हाला 3 वाहने अवैध रीतीचं उत्खनन आणि वाहतूक करताना परत येत अशी माहिती या ठिकाणी मिळालेली होती। त्या अनुषंगाने आम्ही आमच्या भराडी पथकाच्या सहाय्याने भेट दिली। त्याला आम्हाला एक ट्रक, एक ट्रॅक्टर आणि एक जे सी बी त्या ठिकाणी आढळलं। त्यापैकी जे सी बी आणि एक ट्रॅक्टर पोलीस स्टेशन मोवाडी या ठिकाणी डिटेन करून ठेवलेलं आहे आणि ट्रक त्या ठिकाणी आमच्या पथकाच्या हातून निघून गेलेला आहे, पसार झालेला आहे तो। तर त्याच्या संदर्भात आम्ही ट्रक मालक चालक याच्याविरुद्ध 353 गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि त्यांना ते सदर वाहन पोलीस स्टेशनमध्ये आणण्यासाठी त्यांना सूचित करतो। साधारणतः 35 ते 40 लाखांचा माल या ठिकाणी आम्ही जप्त केलेला आहे। भंडारा से NBCN न्यूज़ के लिए सुरेंद्र चिंधलोरे की रिपोर्ट।